फिर हम चीज़ केक फैक्ट्री आ गए हैं और हमें इधर बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि बुकिंग के बगैर इधर टेबल नहीं मिलता, तो लोग लाइन में खड़े हैं, तो हम भी बुकिंग कराएंगे अभी। ये मुझे नंबर अलॉट किए इन्होंने 96, मुझे इन्होंने बोला था 25 मिनट्स लगेंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अंदर का रेस्टोरेंट है, ठीक है, मुख्तलिफ इनके डिपार्टमेंट है, इधर काम हो रहा है मुख्तलिफ चीज़ों पे। दुबई मॉल ब्रांच की सबसे अच्छी बात है कि इसके सामने ये एक्वेरियम है, ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक्वेरियम है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं इसके अंदर फ़िश की। अगर मैं इसको क्लोज लेके जाऊंगा तो आपको पता चलेगा, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म। ये देखें ये चीज़ केक फैक्ट्री की दूसरी एंट्रेंस है, हम बैक साइड से एंटर हुए थे, या फ्रंट वाली है इसके बिल्कुल सामने। ये देखें अंदर बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। ये बैक साइड की सिटिंग है, देखें इतना बड़ा ये पीछे डायनासोर भी बना हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। ये देखें मेरे ऊपर पानी, वाह। तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, मैं आपको ये डायनासोर भी दिखा ही दूँ। ये डायनासोर इतना बड़ा, ठीक है, इसकी हिस्ट्री इधर लिखी है और ये सेंट्रलाइज बनाया गया सेंटर के। ये देखें ये चीज़ की भाई, हमारे ये रिंगिंग करना शुरू हो गए हैं, देखें। तो अभी मैं जा रहा काउंटर पे, तो अभी हमें वो बताएगा कि हमारा कौन सा टेबल है। मैंने तो कोशिश की है कि बाहर हो, लेकिन देख। तो व्यूअर्स, हमारा टेबल रेडी हो गया, अब मैं और सारे नाज़रीन, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पे मेन्यू ये है, इसको हमें स्कैन करना पड़ेगा, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये क्यूआर कोड वाली ऐप है, मुझे इसको ऐसे रख के इसको करना है, किधर गया भाई, ऐसे हम स्कैन करेंगे इसको। ये आगे जी मेन्यू इनका, ये व्यू, ये सारा मेन्यू हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड उन्होंने हमें दी है, साथ ये बटर दिया, मैं देसी तरीके के साथ एडजस्ट कर लिया। नॉट बैड, गुड।
मजा आ गया खा के। भाई इनकी प्रेजेंटेशन चेक करें आप, ये ऊपर एवोकाडो है, इसके नीचे टोमेटो है, चिकन है, चीज है, अंदर दो तीन ऐसे इंग्रेडिएंट है जिनका मुझे पता भी नहीं, शायद उन्हीं की वजह से टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। ब्लैक बीन्स हैं लेकिन शायद ये मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन मैं चखूंगा ज़रूर, शायद ये ज़्यादा मज़े के हो। मैंने दाल और राइस को मिला दिया है, यही कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेमन भी दिया है, शायद इसका भी कुछ चक्कर हो, ऊपर डाल के शायद ज़्यादा मज़ा आए। सेपरेट टेस्ट है, बिल्कुल यूनिक किस्म का। नूडल्स तो ऐसे ही खाए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।